पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर धनबाद शिरकत करने पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने मिरर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कल 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर धनबाद आए हैं। इस दौरान धनबाद के विधायक समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस मौके पर शिरकत करेंगे। साथ ही उन्होंने 8 लेन सड़क निर्माण कार्य को रोके जाने पर कहा कि सरकार क्या सोचकर बन रही 8 लेन सड़क के कार्यों को रोका है, यह सरकार ही जाने। वहीं सड़क निर्माण में हुए घोटाले के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार इसकी जांच करा ले, अगर इसमें कोई घोटाला हुआ है तो जांच कर इसका खुलासा करे। कल 17 तारीख है, 17 तारीख का दिन कई कारणों से बड़ा महत्व रखता है। एक तो विश्वकर्मा पूजा भी है और दूसरा जो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन भी है। अभी आधुनिक भारत के वो क्या कहते हैं विश्वकर्मा ही। तो कल युवा मोर्चा की ओर से कार्यक्रम रखा गया है पार्टी ऑफिस में, सेवा सप्ताह जो अभी पूरा पार्टी पूरा देश में मना रही है। तो कल युवा मोर्चा के कार्यक्रम में कल शामिल होने के लिए आज हम आए हैं। वर्तमान झारखंड सरकार के बारे में, वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहें, कहने के लिए कुछ है नहीं। अब सरकार को बनानी चाहिए, 8 लेन हो, 4 लेन हो, 2 लेन हो, 1 लेन हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो सरकार को बनाना ही चाहिए। अब उसको भी जांच करना चाहिए जल्दी, अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसमें क्या दिक्कत है। ऐसा सरकार उनके पास है, उसको बोलना नहीं चाहिए। बोलने का काम तो हम लोगों के पास है, अपोजिशन का काम है बोलना। जो सत्ता में बैठे हुए हैं पोजिशन में, उनका काम बोलना नहीं, उनका काम करने का है। लेकिन जो करने वाला है वो लोग बोलते रह रहे हैं, तो ये तो जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर उनको कहीं भी लगता है गड़बड़ी है तो बोलने की क्या ज़रूरत है, उसको जांच करके फटाफट आगे बढ़ना चाहिए। समझे कि नहीं।